भरा फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं, उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, इंग्लिश, हिंदी, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च है, टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी स्तुति हम नाचते हुए करें। मैं नाच के करूं चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ जयवंत से बढ़कर, उसमें आनंद मनाओ से बढ़कर। मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह। यीशु मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर मैं जयवंत से बढ़कर हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे संडे सर्विस में। और आप जहाँ कहीं पे भी है, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम अपने दर्शन को दोहराएंगे, बोलेगा हमारा दर्शन है परमेश्वर की दैवी उपस्थिति को विश्व के लोगों और देशों तक लेकर जाना और पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाना। अपने दोनों हाथों को स्वर उठाइए, अपनी आँखों को बंद कीजिए और धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए,
बोली इन भाषा में प्रार्थना की, जो बताई वो महान परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद जली सहांत्र कामा रे ई अकाबा ती सा कामा रे जदी अकाबा रे की अकाज सों त्रकामा अल ओ दो ई अकबर ले दे ई असा जहां त्रकामा। धन्यवाद जी, ये साल हमारा तैयारी का है, हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम तैयार है यीशु मसीह के नाम में। अल ई जका बज जहों त्रकास ए ई अजार रे की अकबर लदा से का बाज जहों त्रकामा। प्रार्थना कीजिए ये महीना हमारा बदलाव का है। अल आजादा दे ई का जहोक आ अल आजा जहों त्रकामा अल आजादी की इलाका बाज ए ई अलकबार की इलाका बाज जहों त्रकामा। ओ धन्यवाद है बेटा परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो, आप प्रेमी पिता हो, आप अद्भुत हो, आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट हम खोल सकते हैं वचन, पहला तिमोथियस दूसरा अध्याय 1-2 वचन कहता है कि यह मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्था और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। आत्मा में जुझाई रूप से प्रार्थना करेंगे मनुष्य के सारे विश्व के लिए कि उनके हृदय खुले होंगे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा और वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे। हम खोल सकते हैं वचन 2 कुरिन्थियों 4:3-4 वचन कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए बोली नभाषा मली जका अल ई जा जहों द्रक आमास ई अक आ जों द्रक आमा अल आ जका अस ओम राम। प्रार्थना करेंगे आत्मा में जुझाय रूप से ली जका बा जहों द्रक ए ई जे ई अल दे अकबार रे की अक आ जों द्रक आमा अल आ जका अर ए ई अजा। प्रार्थना कीजिए मनुष्य के सारे विश्व के लिए अजी जका बा कि उनके हृदय खुले होंगे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। ई अज्जा की अलका बस जहों द्रक आमा रे जबदे केले की अका अल आई जते ई अज्जे जहे अरे जबाद के ई अका रे की अलका बस जहों द्रक आ अक ई अका जा अका अरे जा जहों द्रक आमा। प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार हर देश में, भारत देश में तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अल ई जका बा अस ओम दा ई अक आ अल ई जका बा अक ओ अल आ जी अस ए अरा जका जहे अल ई जका हर एक मनुष्य का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अल ई जका बा दे ई अस आ अल आ जका बा जहों द्रक आ अरे जे अल आ जका ई अस आ सोहक आम आ अल ई जकाती अक आमा सोहम जक आमा। प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार का तेजो में प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा और वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अल ई जकी अला का बस सोहम जक आमा रा जद दे ई अक आ बस आ अक आ अरे जद के ई अलग बात है ई अजा का सोहम जक आमा ई अलग का बात ई जा अक ए ई अस आ अल ई जकबा अक आ ई अलंदकास ए ई अक आमा रा सा जहों द्रक आ अल ई जकबा ई अक आमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ धन्यवाद है बेटा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मनुष्य के सारे विश्व के लिए कि उनके हृदय खुले होंगे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम है। अबिता परमेश्वर धन्यवाद थे भारत देश के लिए, अबिता परमेश्वर भारत देश में परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम है। जैसे पानी समुद्र को भरता है वैसे ही भारत में सुसमाचार तेजी से फैलेगा यीशु मसीह के नाम है। और धन्यवाद अबिता परमेश्वर, हर व्यक्ति का उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम है।
प्रार्थना करते विदा परमेश्वर की सुसमाचार का तेजो में प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा और वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए। हम खोल सकते हैं वचन इब्रानियों 10वां अध्याय 25वां वचन, TLB अनुवाद कहता है, चलो हम अपनी चर्च की सभाओं में इकट्ठा होने को नकारे नहीं जैसा कि कुछ लोग करते हैं, किंतु एक दूसरे को उत्साहित करे और चेतावनी दे, विशेष रूप से जब उसके पास आने का दिन नजदीक आ रहा है। हम खोल सकते हैं भजन संहिता 133:1-3 कहता है, देखो यह क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हेमोर्न की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हम हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना और मध्यस्थता करेंगे जो हमारी चर्च की सभाओं में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि वे अपने आप को शैतान के फंदे से छुड़ाएंगे और वे निरंतर परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाएंगे संतों के साथ सहभागिता को जारी रखने में उन परिस्थितियों के बावजूद जिनका वे सामना करते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए, हर एक भाई के लिए प्रार्थना कीजिए, हर मेंबर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए, जो आत्माएं आपने जीती है, जो चर्च में जो मेंबर आते हैं, जो आपके सेल में जो मेंबर आते हैं, हर एक के लिए प्रार्थना कीजिए। लासी का बाजो दे ई अक आ रे जदे के ई कबार रोल दो अजा जमाज है अरे जाक आ आ जाक कबास ओक आ अक आ अरे जाद एक आ बस एक आ जाकी अलका बा अक आ अली जाद जों द्रक आ बा अली जाका जहें द्रक ए अली जाका बस जों द्रा। प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह का प्रेम उनके जीवन में बढ़ता ही जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अली जाका जों द्रक आ बा अरे अली का बस जाका जों द्रक आ अली वचन जानने की भूख उनके जीवन में बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो अपने जीवन में हमेशा वो सबसे पहले वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे यीशु मसीह के नाम में। अली जाका बस होम द्रक आमा अरे जदे अलाजक ए ई अक आ अली जाका जहे ई अक आमास एक आ अली जाक ए ई अक आज ओम द्रक आमा अली जाक आ सी अक आमा सोम द्रक ए ई जाक आ अलाजक आमा अक आमा अली जाक ए ई अक आमास ओम अक आ रासा जहे द्रक आमा। प्रार्थना कीजिए कि चर्च का हर मेंबर वो हमेशा वो उत्साहित होंगे चर्च में आने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अली जाका बस जहें द्रक आमा अरे जय अरे जाका सोहम द्रक आम आ अरे ई अक आस एक ई अक आ अली जाका बस ई अक आमा अरे जते ई अक आ अली जात सोहम द्रक आमा अलात अक आस एक ई अक आ अरे as om tak ama aliki alaka bazaki akarek i akama। वो हर परिस्थिति में वो परमेश्वर से प्रेम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अबिता परमेश्वर मसीह का प्रेम उनके जीवन में हमेशा बढ़ता ही जाएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद अबिता परमेश्वर, वो हमेशा वो मसीह के प्रेम में विवश होंगे और जैसे ही वो विवश होंगे वैसे ही वो चर्च में वो सल में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद अबिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे हर एक मेंबर्स के लिए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अबिता परमेश्वर अपने आप को शैतान के फंदे से छुड़ाएंगे और वे निरंतर परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाएंगे संतों के सहभागिता को जारी रखने में उन परिस्थितियों के बावजूद जिनका वे सामना करते। वो धन्यवाद अबिता परमेश्वर, अपने
हर मेंबर्स के जीवन में परमेश्वर की शांति को बोलते यीशु मसीह के नाम में। कोई परेशानी उनको परेशान नहीं कर पाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई बीमार था हविता परमेश्वर विश्वास उनके जीवन में बोलते यीशु मसीह के नाम में वो धनफा देते। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। हालेलुया, तेरा नाम धन्य है। हर वक्त हर स्थिति में धन्य तेरा नाम, बहुतायत की भूमि में परिपूर्णता की जनों में। ओ धन्य तेरा, धन्य तेरा नाम, जब मैं बंजर हालातों में जंगल की रास्ते चलूं। धन्य तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, मुश्किलों की राहों में जीवन में हम आगे बढ़े। तेरा नाम धन्य है, धन्य तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले मैं गाऊं स्तुति, चाहे मेरा चा जाए मैं गाऊं तभी। गाऊं तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की सभा में।
और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार, दिनांक 21 मार्च 2021, आज का हमारा शीर्षक है मसीह हमारी ज्योति। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 1:4-5, जो कहता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना अध्याय 8:12 में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फिर उसने यूहन्ना अध्याय 9:5 में कहा, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। किसी भी व्यक्ति के लिए मसीह के बिना जीना एक महान अंधकार में जीना है। प्रेज द लॉर्ड। भयंकर निराशा, भ्रम और सुंदरता से रहित। ज्योति परिभाषित करती है यह दिशा, सुंदरता और चमक देती है। आप अपने आप को मसीह के बाहर जान भी नहीं सकते, केवल उसकी ज्योति के अंतर्गत ही आपकी सच्ची पहचान और व्यक्तित्व दिखते हैं। बाइबल कहती है कि उसमें जीवन का झरना है, उसी की ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 36:9 में आप पढ़ सकते हैं, हालेलुया। अगर आप अपने जीवन को परिभाषित करने के लिए इस विश्व की सारी ज्योतियों को इस्तेमाल करेंगे तो आप डूब गए, क्योंकि आप निश्चित ही गलत वस्तुओं को देखेंगे। किंतु उसमें, उसकी ज्योति में आप परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। आप देखते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ और महिमा से भरे हुए हैं। उसकी ज्योति दिखाती है कि आप कौन हैं, आपके पास क्या है और मसीह में आपकी योग्यताएं। यह आपको दिखाती है कि एक महान आपके अंदर रह रहा है। कोई आश्चर्य नहीं भजन संहिता के लेखक ने भजन संहिता अध्याय 119:105 में कहा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मसीह और उसका वचन एक है। मसीह में आपके सशक्तिकरण और आशीषों को दिखाने के अतिरिक्त वचन आपको अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में निर्देशित भी करता है और उसे पूरा करने की बुद्धि देता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके वचनों के द्वारा आप अपने जीवन, अपनी सेवकाई, करियर इत्यादि के विषय में विशेष विवरणों को ग्रहण करते हैं और उन निश्चित कदमों को उठाते हैं ताकि आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को वास्तविक बना सके। बाइबल कहती है, मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुद्धि बन गया। इसके लिए और अधिक सचेत हो जाइए और आप गहरे अंतर्ज्ञान और ज्ञान में काम करेंगे। सफलता, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और हमेशा सामर्थ्य में चलते हुए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यह सब मैं घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं, मेरे रास्ते में कोई भी अनिश्चितता या भ्रम नहीं है, क्योंकि मसीह मेरा प्रकाश, मेरी बुद्धि और मेरी सामर्थ्य है। मैं मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चल रहा हूँ और पूरा कर रहा हूँ सर्वदा के लिए महानता और श्रेष्ठता के रास्ते में स्थापित। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्याय में पढ़ सकते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4:6, भजन संहिता अध्याय 119:130 और यशाया अध्याय 2:5। आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं, लूका अध्याय 4:1-13 और व्यवस्था विवरण अध्याय 18:21। द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं, मत्ती अध्याय 24:34-44 और निर्गमन अध्याय 30। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इनका नाम रागिनी है, इनका घर उत्तर प्रदेश जौनपुर में है। इनके बुआ की लड़की की गवाही है कि उनके पेट में बच्चा था जो मरा हुआ पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद उनको 4 दिन तक होश नहीं आ रही थी
और फिर इन्होंने उन्हें ऑनलाइन मीटिंग के बारे में बताया, फिर उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की। उसके बाद जब पास्टर सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे, पास्टर की प्रार्थना करने के बाद उन्हें कुछ समय बाद ही होश आ गया। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइज़ैक सर का, जिन्होंने ऑनलाइन मीटिंग हमारे लिए उपलब्ध की। थैंक यू पास्टर, आई लव यू पास्टर। सोचेगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। गो अवे। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूँ बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूँ उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। पवित्र तेरी उपस्थिति शांति आनंद और प्रेम हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। और हम तेरी आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति शांति आनंद प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान ये योग्य है। अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति शांति आनंद प्रेम है। और तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहाय, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहाय, तू मेरी सहायता करता और मुझे Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Just lift your holy hands and worship Him. उसकी आराधना कीजिए। मोंत्रला सतीला बहा। धन्यवाद दीजिए उसका उसके प्रेम के लिए। वो प्रेम जो इंसान की समझ के परे है।
ओ धन्यवाद प्रभु, हमसे इतना प्रेम करने के लिए, हमें अपनी आत्मा से भरने के लिए धन्यवाद, हमें विश्व के लिए आशीर्वाद बनाने के लिए धन्यवाद, अपनी सामर्थ, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि हमसे दिखाने के लिए थैंक यू लॉर्ड। हमारे दिल आभार से भरे हैं आपकी दया के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी महान उपस्थिति के लिए जो यहां पर है, और हम कहते हैं प्रभु हमारे पास सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें, समझने वाला हृदय इस बदलाव के महीने में, हर वो बदलाव जो आप हमारी जिंदगी में चाहते हैं, हमारे देश में चाहते हैं, हमारे समाज में चाहते हैं, वो होगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, ये छलावा बंद हो रहा है, ये धोखा बंद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए, प्रार्थना करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए महाराष्ट्र के, कि वो डीप स्टेट के दबाव में नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम में, वो परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ में खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, वो दबेंगे नहीं। भारत में कहीं पर दोबारा लॉकडाउन नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम में, ये मास्क का छलावा खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, वैक्सीन का छलावा खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम है। भारत के कोने कोने में लोग खड़े हो रहे हैं इस छलावे को खत्म करने के लिए यीशु मसीह के नाम है। डर की आत्मा को हम लोगों के ऊपर से काटते हैं यीशु मसीह के नाम है। मीडिया के छलावे से वो मुक्त हैं यीशु मसीह के नाम है। झूठी मीडिया खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, बैठ सकते हैं और यीशु के लिए जोर से ताली बजा सकते हैं। वाह वाह वाह, पड़ोस गई वाह वाह वाह, खुश हुई आपको चर्च में देख के। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स गुड। सो पिछली बार हमने शुरुआत की थी चर्च के मिशन और उद्देश्य के बारे में। प्रेज द लॉर्ड, मैंने आपसे कहा कि जो भी चीज परमेश्वर करता है, जो भी काम परमेश्वर करता है, वो बिना उद्देश्य के नहीं होता है। दुनिया के लिए कामों का उद्देश्य जानना जरूरी नहीं है, पर परमेश्वर के लिए बिना उद्देश्य के काम करना पॉसिबल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, यू नो, दुनिया की अपनी एक सोच है जिसके द्वारा वो पले बड़े हैं, और जब वो कुछ करते हैं तो दे डू इट्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग, वो केवल करने के लिए करते हैं, उन्हें उसके पीछे का उद्देश्य नहीं पता है। पर जब आपको किसी चीज़ का उद्देश्य समझ में आ जाता है, तो ना केवल आप उस चीज़ को कर पाते हो अच्छे से, उसको करने की हिम्मत, निर्भीकता, साहस और ताकत आपके अंदर आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए कभी भी मत सोचिएगा कि उद्देश्य जरूरी नहीं है। बिना जीवन का उद्देश्य से बड़ी दुर्घटना कोई नहीं। दुर्घटना वो नहीं है कि आदमी मर गया, दुर्घटना वो है कि आदमी अपना उद्देश्य जाने बिना मर गया। प्रेज द लॉर्ड, सही ना। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि सबसे बड़ी चीज दुनिया में क्या है, वो है उद्देश्य। और चर्च परमेश्वर की सबसे शक्तिशाली संरचना है। हालेलुया, सुन रहे हैं आप, चर्च परमेश्वर की सबसे शक्तिशाली संरचना। चर्च ही वो जगह है जहां से परमेश्वर विश्व को कंट्रोल करता है। बहुतों को नहीं पता, हम आज सीखेंगे कि क्यों नहीं पता है और हमें पता करना जरूरी क्यों है। जैसा मैंने कहा, अगर आप समझ जाओगे तो ना केवल आप कर पाओगे पर आप अच्छे से कर पाओगे। जो चीज आप समझ जाते हो, ना केवल आप उसको करते हो पर उसको अच्छे से कर। जैसे बचपन में मम्मी ने कहा चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, आपको लगा था मम्मी मजाक कर रही, और थोड़े दिन बाद समझ में आ गया नहीं खाओ तो अच्छा है, इतनी तो मत खाओ जिससे नुकसान हो जाए, थैंक यू। पर जब आपको समझ में आ गया, बार बार आपको किसी को आपके पीछे नहीं पड़ना पड़ा, मत खाओ मत खाओ मत खाओ, क्योंकि आपको खुद समझ में आ गया और आपने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, तो उद्देश्य के साथ है। जब आप चीजों का उद्देश्य समझ जाते,
तो दुनिया की तरह मत बनिएगा। जब हम मिशन और देश की बात करते हैं तो उनको लगता है ये क्या बकवास कर रहे हैं, कुछ सरल बात करो ना, बस प्रार्थना करके भगा दो। नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हमें पता है कि जब आप उद्देश्य जान जाएंगे तो आपके लिए चीजें करना आसान हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, चीजें आसान हो जाएंगी, चीजें करनी आसान हो जाएंगी। सुना, क्यों क्यों दुनिया को चीजें करने में मुश्किल होती है? क्योंकि उन्हें उद्देश्य नहीं पता, उन्हें नहीं पता जो वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, पर हमें पता हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो तैयार है सब लोग? कितने लोग तैयार हैं? याद है पिछली बार का संदेश? बोली मैं एक चर्च हूं, मैं एक चर्च हूं और मैं चर्च में आया हूं, सही है ना? तो हम चर्च में आते हैं पर हम खुद क्या हैं? चर्च। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर हमारे साथ ऐसे ही जुड़ा हुआ है और इसकी गवाही हमारी आत्मा में है। साइंस इसको पहचान नहीं सकती। मैं भी साइंटिस्ट, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ नहीं हूं। तो जब लोग कहते हैं आपको कैसे पता, मैंने कहा जो आपको पता है मुझे पता, पर जो मुझे पता शायद आपको नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चर्च एक धार्मिक लोगों का समूह नहीं है जो यहां पर आए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने कि परमेश्वर हमें बचाओ। फिर से सुन लीजिए, चर्च एक धार्मिक लोगों का समूह नहीं है जो चर्च में इकट्ठे हुए हैं प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बचाओ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों भारत में इतने सारे चर्च बंद हो गए? क्योंकि उनको अपने रहने का उद्देश्य नहीं पता था। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है 1% से कम चर्चेज तो चल रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि शायद हम ही हो 10 में से 10 चर्च भी नहीं जो पूरे भारत में चल रहे हैं, उनमें से हम एक हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा उद्देश्य क्या है। हम मर जाएंगे, जेल चले जाएंगे, पर चर्च आना बंद नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चर्च का मिशन और उद्देश्य। तो हम शुरुआत करेंगे इफिसियों 3:8। तो जैसा मैंने कहा, मिशन जानना बहुत जरूरी है, उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्या देता है? ताकत। मुझे पता है मैं कौन हूं, यही कारण कि मुझे हराना असंभव है। एक आदमी जो जानता है वो कौन है, वो बहुत खतरनाक है। क्या है? खतरनाक। इसमें हमेशा कहता मुझसे पंगा लेके कुछ नहीं मिलने वाला, आखिर में रिजल्ट मेरे ही फेवर में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको नहीं पता आप कौन हो, पर मैं आपको भी जानता हूं आप कौन। मैं अपने को तो जानता हूं, आपको भी जानता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या? परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो आत्मिक है उसको सब पता है, शारीरिक को कुछ नहीं पता है, हमने सीखा था वेनेजो। खैर, तो इफिसियों, वाह, 8 से पढ़ें कि 7 से पढ़ें? ओके, अच्छा यहीं से पढ़ लेते, चलिए। तो ये है पॉलुस जो इफिसियों चर्च को लिख रहा है। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से, आविशु कैन वी गो बैक 7? तो मैं बोली मैंने आपसे कहा था ना आप चर्च हो। प्रेज द लॉर्ड। कभी मत भूलिएगा आप अकेले दुनिया पे भारी हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं अकेला दुनिया पे भारी हूं। कभी मत सोचिए कि हम दो चाहिए, हम एक काफी, क्योंकि हमारे अंदर कौन रहता है? परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। मैं और परमेश्वर दुनिया पे अकेले भारी हैं। बोली मैं और परमेश्वर दुनिया पर अकेले भारी हैं। तो मत सोचिएगा कि हम भीड़ में है इसलिए भारी हैं, हम अकेले ही भारी हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस मानसिकता को बना करके, झूठ नहीं है, हम सबको पता है हमारे अंदर परमेश्वर, नहीं पता है? दैट्स गुड। तो मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। तो हमने सीखा था कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है और वो यहां पर बता रहा है कि मुझे अनुग्रह मिला। तो हम ये कहते तो हैं कि ओ यीशु मसीह को ग्रहण करो, पर सच्चाई है कि अगर यीशु मसीह ना चाहे तो हम उसको ग्रहण भी नहीं कर सकते। तो हम भले ही उसको सिमेंटिक्स में, भाषा के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पर सच्चाई क्या है कि मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह हुआ जिसकी वजह से मैं और आप किसको ग्रहण कर पाए? यीशु मसीह। क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को यीशु मसीह क्या लगती है? बेवकूफी। इज ऑल राइट, उनके ऊपर अभी तक अनुग्रह नहीं हुआ और हम प्रार्थना करें उनके ऊपर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। सही है। तो उसने कहा मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, और आपको पता है ये पौलुस कौन था? कलीसिया का सताव करता, ये कलीसिया को सता रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। पर एक दिन पौलुस को समझ में आ गया कि जो वो कर रहा था वो क्या था? गलत था। और समझ में आ गया ये उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, क्योंकि जो काम उसने किए थे उसके हिसाब से उसको मर जाना चाहिए था, उसका न्याय हो जाना चाहिए था, पर परमेश्वर ने उसको बचाया। पर वो बुद्धिमान था। आगे बढ़ते रहते, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। तो उसे समझ में आ गया कि आज जो वो प्रचार कर पा रहा था वो किसकी वजह से कर पा रहा था? अनुग्रह की वजह से।
वो सुसमाचार का सेवक किसकी वजह से बना? अनुग्रह की वजह से। इसके लिए हमें डिग्री नहीं चाहिए। कभी मत सोचिएगा कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, कि जब तक पास्टर आइज़ैक की तरह इंजीनियर ना बन जाओ तभी काम करोगे आप। किसने कहा आपसे? मेरी डिग्री मैं यहां नहीं सिखा रहा हूं, मैं यहां पे क्या सिखा रहा हूं? वो जो परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पता नहीं डिग्री पढ़ता तो पता नहीं कौन से गड्ढे में पड़ा होता मैं, सही? पर मुझे पता है कि मेरी डिग्री से मैं यहां पे नहीं हूं। किसकी वजह से हूं? अनुग्रह की वजह। नहीं तो आप क्यों मेरी सुनोगे? ना मेरे आप रिश्तेदार हो ना कोई हो, क्यों आप मेरी सुनने आते? क्यों हजारों करोड़ लाखों लोग हमारी सुनते? क्योंकि हमारे ऊपर क्या हुआ है? अनुग्रह। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। आगे, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से छोटा हूं। ओ, अब वो यहां पर घुसना शुरू कर रहा है उद्देश्य में, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर ने अगर कुछ दिया है तो उसके देने के पीछे एक उद्देश्य है। परमेश्वर कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं देता है, उसे ये समझ थी। तो उसने पहले क्या बताया कि उसे क्या दिया गया है? उसे अनुग्रह दिया गया है। नाउ अब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि यह अनुग्रह किस काम के लिए दिया गया, इस अनुग्रह के पीछे का उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि जो चीज आपको दी गई है वो किस लिए दी गई है तो आप उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ ना? कर सकते इस्तेमाल। सोचिए आप जा रहे थे और ऐसे ऐसे किसी ने आपके ऊपर पेन फेंक दिया, पहला दिमाग क्यों आएगा? इसने पेन मुझे क्यों दिया? नहीं आएगा सवाल। आप सड़क पर जा रहे हो, कोई आपको पेन पकड़ा के चला गया, पहला सवाल क्या आएगा? ये ऐसे क्यों देके चला? नहीं आएगा पहला सवाल, ऐसे क्यों देके चला गया? कोई आपको 10 रुपए भी दे तो आप सोचोगे भिखारी तो नहीं लग रहा हूं। सजा कि नहीं, कोई आए और आपको 10 रुपए देके चले आ गए, आप देख रहे हो कपड़े उपड़े क्या हुआ, कहीं गिर गया, कुछ मिट्टी विट्टी लग गई, कि भिखारी लग रहा हूं कि आदमी मुझ पर दया करके, कहीं पतला तो नहीं लग रहा ज्यादा कि 4 दिन का बिना खाया उसको मुझ पर दया आ गई, 10 रुपए देके चला गया। तो उसे पता था कि जब कुछ दिया गया तो उसके पीछे का उद्देश्य है। तो उसने वहां पे बताना शुरू किया। उसने पहले क्या कहा? मुझे क्या दिया गया? अनुग्रह। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम ये जो बातें कर रहे हैं वो हमारी पढ़ाई लिखाई से नहीं कर रहे, हमारी जाति और धर्म से नहीं कर रहे, हमको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया, ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। हालेलुया, कभी मत भूलिएगा। सही बोली, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। अपना नाम लेके बोली, बोली मुझ पर अनुग्रह हुआ, बोली मुझ पर अनुग्रह हुआ है। क्योंकि बहुतों को लगता ही नहीं कि उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है। जिंदगी भर वो सोचते रहते मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, मैं कहता हूं अच्छा हुआ आपके साथ, बुरा नहीं हुआ है। वो अपने दिमाग से निकाल दी कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपके साथ अच्छा हुआ है। बोली मेरे साथ अच्छा हुआ है, मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है, मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है। भूलेंगे तो नहीं तो कभी कभी शैतान आपको बताएगा तुम तो नहीं लगते हो ये कर पाओगे, तुम सुबह झूठ बोल के आए और अभी सही काम करने जा रहे हो। गणेश शैतान निकल यहां से, मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को कभी अपनी जिंदगी में आने मत दीजिए। सही, कोई भी आपके ऊपर दोष मत लगाने दीजिए। गलती करने के बाद भी सीना तान के खड़े हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। समझ में आ गया ना आपको? हमारे और आपके सारे पापों की क्षमा किसने दे दी? यीशु मसीह ने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कभी मत सोचिएगा वो आप इस लायक नहीं, क्योंकि ये वो चीज है जो शैतान ने डाल के रखी। लोगों को हमेशा याद दिलाता रहता तुम्हारी औकात नहीं, तुम इस लायक नहीं। यीशु ने हमें लायक बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझ पर सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ। अब वो बता रहा है कौन सा अनुग्रह हुआ, स्पेसिफिक, क्योंकि हर काम के लिए अलग अनुग्रह है। उसने कहा दिस ग्रेस, एक स्पेसिफिक ग्रेस। हर काम जो आप करने जाते हो उसके लिए अलग प्रकार का अनुग्रह आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके पास उस काम को करने का अनुग्रह नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो वो काम होने वाला नहीं है। तो बहुत सी बार लोगों को समझ नहीं आता मैं जो कर रहा हूं उसमें सफल क्यों नहीं रहा हूं। शायद उन्होंने पता नहीं किया कि परमेश्वर ने उनको किस काम को करने का अनुग्रह दिया है। They didn't ask God, परमेश्वर से उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने नहीं पूछा। इट्स इंपॉर्टेंट। तो पर पौलुस बुद्धिमान था, उसने क्या कहा? अनटू मी हु आई एम लेस देन द लिस्ट ऑफ इज दिस ग्रेस गिवन, मुझे ये अनुग्रह दिया गया। मुझे बाकी पता है कि नहीं पता है, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, पर ये काम जो बताने वाला हूं भाई मुझे पता है इसके लिए अनुग्रह दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया?
इस काम के लिए अनुग्रह दिया गया मुझे समझ में आ रहा है। दिस ग्रेस, बोलिए दिस ग्रेस, ये अनुग्रह, बोलिए ये अनुग्रह, ये अनुग्रह। ओ लॉर्ड, आगे जो लिखा है बहुत पावरफुल, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा एक दो समर सॉल्ट मार के फिर वापस आ जाऊं आपके साथ, पर आपके सामने डिसेंट बने रहना है ना, दैट्स गुड। ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को, ओह लॉर्ड हाउ विल आई डू दैट, मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अगम्य धन, इंग्लिश में क्या लिखा है, अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट। ओ बॉय, दिस इज बिग, मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार। ये एक चीज है जो मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी, मैंने कभी नहीं सोचा मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहां रहूंगा, क्योंकि मुझे वचन बहुत पहले समझ में आ गया था, शायद 2003 में, और 18 साल से मैं मसीह हूं, आज तक मैंने नहीं सोचा मैं क्या खाऊंगा, मेरे दिमाग में आता भी नहीं कि मैं अगला खाना क्या खाऊंगा, यह सोचना मेरे लिए असंभव है कि मेरे पास पैसा नहीं होगा, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं गरीब हो सकता हूं। अगर कोई मुझसे कह दे तुम गरीब हो जाओगे, मैं को ये क्या सेंटेंस बोला, जर्मनी बोली, मुझे समझ में नहीं आ रही, आई कांट, मेरा दिमाग उन चीजों को समझ नहीं सकता। होता ना कि आप एक भाषा बहुत दिनों तक ना बोलो तो वो भाषा दोबारा कोई बोले तो समझ में नहीं आती, तो वैसे ये सारी भाषाएं मैंने अपनी जिंदगी से काट दी, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं सफल कैसे नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसने क्या कहा, मुझ पर यह अनुग्रह हुआ, क्या हुआ, बोली मुझ पर अनुग्रह हुआ, मुझ पर अनुग्रह हुआ, मुझ पर अनुग्रह हुआ, समझ में आ गया, बोली मुझ पर अनुग्रह हुआ, भूलेंगे तो नहीं, बोली मुझ पर अनुग्रह हुआ है, मुझ पर अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार, अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट। एक मसीह को, मसीह की जिंदगी निकल जाएगी पता करने में कि वो कितना अमीर है, ये बताने की कोशिश कर, किसी को बताएगा वो मसीह को गरीब होना चाहिए, मैंने अगर मसीह को गरीब होना चाहिए तो अमीर किसको होना चाहिए, अभी तक तो उन्होंने इतना पैसा देखा नहीं जितना हम उनको दिखाने वाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक अच्छे अच्छे बॉक्सर को पता होता है पिटाई खाते रहो खाते रहो खाते रहो, जब सामने वाला थक गया उसे पता है अब मेरा टाइम है, समझ में आया ना, देखे ना बॉक्सिंग की मूवीज, तो हमें पता है हमारा टाइम है, जब स्पिनर बॉलिंग कर रहा होता है तो फंसा रहा होता है, जब फ्लाइट में फंसा तो समझा अब मेरा टाइम है, तो हम टेस्ट मैच में T20 हमें नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड, सही ना, हालेलुया हालेलुया। तो उसने कहा यह अनुग्रह कि मैं अन्य जातियों के मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं, अगम्य धन का, अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट, अनसर्चेबल। जब मैं लोगों से कहता हूं कि कितना पैसा होना चाहिए, जो मैं लीस्ट फिगर आजकल बोल रहा हूं वो है $2,000 billion, लोग कहते हैं इतना पैसा हो भी सकता है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे अभी भी लगता है कम है, कि मुझे बाइबल से पता है अगर मेरा दिमाग वहां पहुंच गया है तो इसके आगे भी कुछ है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मैंने अपनी बाइबल में पढ़ा ये सब क्या है, अनसर्चेबल, क्या है, क्या है, अनसर्चेबल। सोच के देखिए एक पानी की बोतल कितने की जाती है, 20 रुपए की, अगर एक समुद्र का पानी मैं पूरा बोतल में भर के बेच दूं कितना पैसा हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं पैसा नहीं, मैंने कि मुझे सब जगह पैसा दिखाई देता पाए, तो नहीं इतना दुनिया में पैसा नहीं, मैंने दुनिया में बहुत पैसा पाया, एक ऑक्सीजन का सेंटर 5,000 का बेचते, मैं तो यही भर के बेच लो तो कितना हो जाए। आखिर में इंसान जो कमा रहा है वो परमेश्वर से ही तो कमा रहा है, इंसान ने बनाया क्या है, सोना उसने जमीन से निकाला, पेट्रोल उसने जमीन से निकाला, पानी उसने नीचे, मतलब क्या बात कर रहे हो भाई, तुमने क्या कौन से तीर मार लिए, जमीन पहले से थी जिस पर तुम कब्जा करके बैठ गए और आज बेच रहे हो, क्या किया है, नहीं क्या किया, ऑक्सीजन ले लेके तुमने पता किया ऑक्सीजन ले रहे हो, सच्ची से कहते मेरी बात समझ में आई, ऑक्सीजन लेने के बाद ये दिमाग चला कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, मैंने ये जो दिमाग चला ना तुम्हारा ऑक्सीजन कैसे होती है, उसके लिए पहले तुम ऑक्सीजन ले रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, जो तुमने ऑक्सीजन खोजी वो लेके खोजी, बिना लेके मैं देखता हूं कैसे खोजते, कितने मेरी बात समझ, जोक समझ में आया क्या, तो कहते हमने ऑक्सीजन खोजी, मैंने कि बिना लिए खोज के दिखाओ तो मानू, तो बेटा बिना ऑक्सीजन के निकलते ना पहले ही डॉक्टर क्या लगा देता थोबड़े पे ऑक्सीजन, तो हमें मत बताओ कि तुम हमसे ज्यादा जानते हो, हमें तुम्हारी सीमाएं पता है। प्रेज द लॉर्ड, जिस स्कूल में तुम गए थे उस स्कूल में हमें भी पढ़ाई करके आए, हम अनपढ़ नहीं है कि बस एक दिन पैदा हो गए, तो जो तुम्हें पता है हमें पता है, E=mc², वो सब हमें पता है, क्वांटम थ्योरी जितनी आपको नहीं पता उतनी हमें पता है बाइबल से, है ना, नहीं सीखते हम तो बेवकूफ ना कि हम बस यहाँ पे बैठे हुए हैं चर्च वाले हैं तो हमें पता नहीं, वी आर इंटेलिजेंट। बोली मैं बुद्धिमान हूँ। तो उसने क्या कहा, मुझ पर क्या हुआ, अनुग्रह, बोली मुझ पर अनुग्रह हुआ है,
मुझ पर अनुग्रह हुआ है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है कि अन्य जातियों को मसीह के अगम धन का सुसमाचार सुनाओ। ओके नेक्स्ट, ओ नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल, ओ गॉड दिस इज हैवी, दिस इज ब्यूटीफुली हैवी। और सब पर, बोली सब पर, पड़ोस कही सब पर, सब पर। एक दिन पूरी दुनिया ने कि यीशु मसीह प्रभु है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऑप्शन है नहीं, क्या कहा मैंने, बाइबल कहती जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा हर निगाह उसको देखेगी, क्योंकि यीशु मसीह क्या रहेगा 24 घंटे, सुनाई पड़ा आपको, क्योंकि कहीं पे पृथ्वी घूम रही होगी, सही ना, 24 घंटे। और तब लोग अपनी छाती पीट रहे होंगे, यार इन मसीहों की सुन ली होती तो अच्छा था। वी आर नॉट फूल्स, हम बेवकूफ नहीं है, हमने कहानियों पे विश्वास नहीं किया, हमारे माने प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली सब पर, सब पर, सब पर। तो शर्माइएगा मत, सही ना, कोई आपसे कहे हे मसीह, मैं चिंता मत, तुम्हें पता लगेगा, ये होना है, ये सच है। क्या है ये, कि बाइबल कहती है परमेश्वर की बातें मनुष्य के लिए क्या है, मूर्खता। वेनेसे को सीखा था हमने, नहीं सर। तो जब आप परमेश्वर की बात करते हो, कहते हैं बता भूल जाओ, ये मूर्ख इंसान से क्या बात कर रही है, मूर्ख इंसान को परमेश्वर समझ में नहीं आता। हमने बात की थी ना, परमेश्वर दिमाग से क्या है, बड़ा है। वेनेसे का संदेश याद है आपको, क्या बताया था मैंने, परमेश्वर क्या है, दिमाग से बड़ा है। तो जब वो परमेश्वर को दिमाग से लेके जाने जाए तो सब ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि छोटे दरवाजे में बड़ा दरवाजा, बड़ी बड़ी चीज कैसे लेके जाओगे। तो वो दिमाग से परमेश्वर समझना चाहते हैं, और परमेश्वर उनके दिमाग से बड़ा। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक सोफा आप दरवाजे में घुसा रहे हो जो दरवाजे के साइज से बड़ा है, तो सोफा कहां रह जाएगा, दरवाजे के बाहर। तो परमेश्वर क्या है, दिमाग से बड़ा। तो जब भी परमेश्वर को लेके दिमाग में जाके फिट करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर दिमाग के बाहर रह जाता, दिमाग भी काम करना बंद कर देता, कुछ अंदर नहीं जाता, कुछ बाहर नहीं जाता। बोले ये समझ में नहीं आता, मैंने कि वो कहते ना अभी समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं, मैंने बहुत चीजें समझ में नहीं आती पर फिर भी कर रहे हो ना, हर चीज समझ में आती तभी कर रहे हो क्या। खैर उनको माफ कर देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, एक दिन आएगा उनको समझ में, सही। और ये बात सब पर प्रकाशित करूं, सब पर प्रकाशित करूं, प्रति सब पर करूं, बोले सबको पता लगेगा। एंड टू मेक ऑल मैन सी व्हाट इज द, हिंदी में उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया, इसलिए मैं इंग्लिश यहाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब इंग्लिश से मैं उसको हिंदी, ओह बॉय ब्यूटीफुल, इज टू हैवी टू अंडरस्टैंड। और ये सब बात पर प्रकाशित करूँ कि उस भेद का प्रबंध क्या है। खैर यहाँ से पहले समझते, थोड़ा लोअर समझते, फिर इंग्लिश से जाके हिंदी में वापस आ जाएंगे। तो उसने कहा उस भेद का प्रबंध क्या, बोली भेद, भेद, उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। क्यों लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर ने ये चीजें लोगों को समझने ही नहीं दी। ये कह रहा है भेद क्या है, भेद वो है जो कुछ लोगों को पता है और सबको नहीं पता। जैसे एक मां है, गर्भवती है वो, अब उसके पेट में कौन है उसे नहीं पता है, पता है क्या वो उसके लिए क्या है, गुप्त, क्या है, हेलो, गुप्त है या नहीं है। वो पता लगा लेगी कि लड़का है या लड़की, पर लड़का जो आएगा वो कैसा होगा वो अभी भी क्या है, गुप्त। वो तभी पता लगेगा जब समय आ जाएगा, क्या जाएगा, तब तक वो लड़का क्या है, गुप्त। वो लड़का 10 साल में कैसा दिखेगा वो क्या है, गुप्त। वो तभी समझ में आएगा जो लड़का कितने साल का हो जाएगा, 10 साल का। तब तक वो लड़का क्या है, गुप्त। वो सामने है पर ये लड़का क्या होगा 10 साल में मां को भी नहीं पता। ये तो जो 10 साल हो जाएंगे तब मां को समझ में आएगा, अच्छा ये शक्ल है बच्चे की। अभी भी 15 साल में लड़के की शक्ल क्या होने वाली है मां के लिए क्या है, गुप्त। तो ये जो चीजें आज हम समझ रहे हैं ये परमेश्वर को पहले से पता थी, पर परमेश्वर ने उनको क्या रखी थी, गुप्त, क्योंकि मैच्योरिटी तक नहीं आया था। चर्च को उसका उद्देश्य समझ में नहीं आया था। चर्च को लग रहा था कि हम चर्च में इसलिए आते हैं कि परमेश्वर से क्या करवाएं। उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि चर्च में हम इसलिए आते हैं कि परमेश्वर हमें बताए क्या करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनाई पड़ा आपको, धर्म है जो सिखाता है परमेश्वर से कुछ करवा लो, चर्च सिखाता है परमेश्वर से पूछो कि क्या करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं, तो धर्म को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। धर्म की मानसिकता से आप हमेशा परमेश्वर से कुछ निकालना चाहोगे। मैंने परमेश्वर से आज तक कुछ नहीं मांगा। आप मेरे गाने भी सुनोगे तो आपको पता लग जाए, मेरे गाने भी कैसे, तुझसे क्या मांगू मेरे खुदा, क्योंकि जब मैं अपने हाथ मांगने के लिए उठाता हूं क्या मांगू प्रभु,
मांगने को कुछ है नहीं। क्या मांगू? मुझे अपनी बाइबल पता है, मैं क्या मांगू उठा के जो मेरे पास पहले से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये चीज क्या थी? गुप्त। ये क्या था? भेद, जो चर्च को नहीं पता था। चलिए आगे का वचन पढ़ के फिर वापस आते हैं। एक शब्द वहां से पिक करना है मुझे, दसवां। ताकि अब, बोली ताकि अब, वापस जलाए नौ में वापस चले जाइए, ज्यादा देर दिखाइए मत, तो रहस्य खुल जाएगा, है ना। थ्रिलर मूवी में कातिल पहले पता लग जाए तो पिक्चर देखेगा कौन। तो ये वापस गया नौ पे, यहां चलो। तो दस से हमने कौन सा शब्द उठाया? अब। क्या उठाया? अब हमारा टाइम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम दिखाएंगे कि हम हैं कौन। प्रेज द लॉर्ड, ये हमारा टाइम है। अब चर्च बच्चा नहीं रहा है जिसको आप कुछ भी चू 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 करके बहका लोगे, डरा लोगे। टाइम गया, पुरुष गए, टाइम गया, टाइम गया। हम मैच्योर हो गए। क्या हो गए? मैच्योर। हम वचन को लगा के मैच्योर हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हमने मरु को जिंदा करना सीख लिया। हालेलुया। अंधों की आंखें खोलना सीख लिया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ को मजाक लग सकता है पर हमें पता है सच है, नहीं है? नहीं है क्या? तो ये सब बात, बोली यह सब पर प्रकट करूं। क्या करूं? बोली सब पर प्रकट करूं। तो आपको अपना काम सिखाई देना शुरू हो रहा है। आवर वर्क इज कट आउट। परमेश्वर ने हमें बता दिया कि हमारा काम है क्या। हमारा काम क्या है? हम इस सुसमाचार को क्या करें? प्रकाशित करें, दुनिया को बताएं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि दुनिया को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उन्हें एक ही चीज पता है कि कल क्या होने वाला, कुछ नहीं पता है ना। उनसे पूछा होने वाला बस एक ही चीज पता है, ये नहीं पता कल क्या होने। पर हमसे पूछो ना, हमें पता ना क्या होने वाला। वी कैन टेल यू, वी हैव अ फ्यूचर, वी आर नॉट इग्नोरेंट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें पता है भविष्य क्या है, क्योंकि हमें कहां से पता है? अपनी बाइबल से। हमारी बाइबल में लिखा है कि क्या होने वाला है, एंड वी नो इट। तो उसने क्या कहा? ये सब बात प्रकाशित करूं। ओ चलिए, अब इंग्लिश से जाके हिंदी में आते हैं। And to make all men see what is the fellowship of the mystery. Oh Lord, वो कह रहा मैं सबको बताऊं कि ये सहभागिता का रहस्य क्या है। आखिर परमेश्वर मेरे और आपके अंदर रहने के लिए क्यों आया? Praise the Lord, hallelujah. परमेश्वर के साथ मैं बीमार कैसे हूं? आपको पता परमेश्वर कौन है? उसके साथ मेरे, मैं वो मेरे अंदर और मैं बीमार। हा या, या, या कैसे होगा ये? परमेश्वर के साथ मैं हार जाऊं, ओ लॉर्ड कैसे होगा ये? ये चमत्कार कौन करने वाला? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के साथ मैं हार जाऊं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, हारने का डर मत रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, दुनिया के पास ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हरा दे। प्रेज द लॉर्ड, बाइबल कहती है हमारे लड़ाई के हथियार सांसारिक नहीं है किंतु सामर्थ्य है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हमारे पास भी हथियार हैं पर हमारे हथियार उनसे अलग हैं। हमारे हथियार क्या है? प्रार्थना। आप लोग प्रार्थना करके हम क्या कर सकते हैं? पता कीजिएगा जिनको हमारी प्रार्थनाओं से डर लगता है, उनको पता प्रार्थना ना करें तो अच्छा है, क्योंकि यहीं से सब बिगाड़ हो रहा है। इसलिए तो चर्च के पीछे पड़े हाथ धो के, क्योंकि उन्हें पता अगर चर्च प्रार्थना करेगा उनकी सारी योजनाएं क्या हो जाएंगी? असफल। उन्हें आज तक नहीं पता है ये उनका जो पूरा षड्यंत्र था COVID-19 का आखिर असफल कैसे हुआ। उन्हें नहीं पता हम आप जैसे लोग थे जो रात रात भर जग के क्या कर रहे थे? प्रार्थना। हम बेकार में नहीं कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी ताकत पता है। क्या पता है? क्या पता है? हमें बम की जरूरत नहीं है, हमें तलवार की जरूरत नहीं है। जब हमारी प्रार्थनाएं काफी तो हम क्यों इस्तेमाल करें? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने क्या कहा? ये सब मनुष्यों को दिखाऊं कि इस फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री, तो सब बातों प्रकाशित करूं कि उस सहभागिता का रहस्य क्या है। क्या है? और ये कुछ नया नहीं है, ये कहां से है? शुरुआत से, विच फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये जो रहस्य था वो कहां से है? शुरुआत से। पर लोगों को नहीं पता था, परमेश्वर ने दिखाया नहीं था, पुराने नियम में समझ में नहीं आया था। अब्राहम को समझ में नहीं आया, आइज़क को समझ में नहीं आया, दाऊद को समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि चर्च का टाइम नहीं आया था। प्रेज द लॉर्ड,
परमेश्वर इस रहस्य, ओ गॉड, परमेश्वर इस रहस्य कब बताने वाला था? जब वो जो सहभागिता वो आदम के साथ चाहता था, जो आदम के पाप की वजह से चली गई, जो उसे पता था ये सहभागिता पूरी हो जाएगी जब मैं उनमें रहने आ जाऊंगा और वो मुझ में रहना शुरू कर देंगे, उसने कहा तब समय आएगा मैं इनको बताऊंगा ये क्या करने वाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओह, समझ में आ रहा आपको? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सहभागिता पहले पॉसिबल नहीं थी, परमेश्वर का हमारे अंदर रहना संभव नहीं था। वो तभी संभव हो पाता जब यीशु मसीह आके मर जाता। तो परमेश्वर को ये बातें क्या रखनी पड़ी? गुप्त, छुपनी पड़ी। परमेश्वर को पता था कि अगर वो हमसे कहेगा तुम दुनिया पे जयवंत से बढ़कर हो, हम डर जाते, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर उस समय नहीं था, हमें समझ में नहीं आता। पर परमेश्वर की योजना शुरुआत से यही थी कि एक दिन होगा जब परमेश्वर हमारे आएगा और हम उसके साथ क्या हो जाएंगे? घुल मिल जाएंगे और वो दुनिया को दिखाएंगे, ओ गॉड, हालेलुया। बॉय बॉय बॉय, एंड टू मेक ऑल मैन सी व्हाट इज द फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री व्हिच फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन हिड इन गॉड। ये सब किसमें छुपा था? परमेश्वर में। परमेश्वर के बाहर आपको समझ में नहीं आएगा, आपका विज्ञान आपको नहीं सिखा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये चीजें किसमें छुपी हैं? हा, चिल्ला सकते हैं, हा 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 हा। चीजें किसमें छुपी हैं? तो हम भले स्कूल ना गए भाई, तुमसे ज्यादा जान सकते। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये चीजें किसमें छुपी हैं? परमेश्वर में। जो तुम्हारे दिमाग के बाहर है वो परमेश्वर हमारी आत्मा में है। प्रेज द लॉर्ड, हम उसके साथ सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम उसमें चलते हैं। ग्लोरी, परमेश्वर हमारे लिए रहस्य नहीं है, हम उसके साथ 24 घंटे जीते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ ग्लोरी, ओ ग्लोरी, व्हिच फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन हिड इन गॉड, हु क्रिएटेड ऑल थिंग्स बाय जीसस क्राइस्ट। हिंदी में उन्होंने वो निकाल दिया, पता मुझे नहीं पता क्यों निकाल। प्रेज द लॉर्ड। दसवां पढ़ सके, तैयार हो जाओ, क्लाइमेक्स आ रहा है। ओह, दिस इज ब्यूटीफुल। ओह लॉर्ड, ओके, ओके। सो आई लाइक टू सी आईएसवी एज वेल, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, बोली कलीसिया के द्वारा, अब किसके द्वारा? मैंने आपसे कहा था चर्च का मिशन और उद्देश्य। किसकी बात कर रहे हो? किसका उद्देश्य? अब समझ में आ गया कहां पे आ गए हम? मैंने कहा ये क्लाइमेक्स है, पिक्चर लैंड हो रही है, पता लगने वाला सब माजरा था क्या। प्रेज द लॉर्ड, उसने इतना सब बताया और वो यहां पे बोले ताकि अब, बोली अब, बोली ये मेरा समय, बोली मेरा समय। तो कोई तुम्हें, भैया तुम सो रहे थे? बोले नहीं, यही टाइम था जागने का। सो नहीं रहे थे, हमारे जागने का टाइम ही यही था। कोई कहे अरे तुम 11 के हो गए, पहले कहां थे? पहले 10 के थे, अब 11 के है कि नहीं? ताकि अब, बोली ताकि अब, बोली ताकि अब, कलीसिया के द्वारा, बोली कलीसिया के द्वारा। हालेलुया, वी हैव माउथ, हमारे पास मुंह है, बोली हमारे पास मुंह है, हमारे पास मुंह है, बुद्धि है। प्रेज द लॉर्ड, हमारे पास बाइबल से ज्यादा बुद्धि है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर को तुम मना करते हो उस परमेश्वर के साथ हम 24 घंटे जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्या जीते हैं? जीते। जिसको तुम मान नहीं सकते उसके साथ हम जीते हैं। हमसे कैसे लड़ोगे यार, वी आर टू बिग। प्रेज द लॉर्ड, ओ लॉर्ड। ताकि अब कलीसिया के द्वारा, बोली ताकि अब कलीसिया के द्वारा, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, ताकि अब कलीसिया के द्वारा। आप समझ रहे हैं ये सारा खेला पलटेगा कैसे? कलीसिया के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, भूल मत जाइए, मैं और आप ही हैं जो इस खेल को पलटने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं घूस देके यहां नहीं पहुंचा हूं। इस जगह पे घूस देके पहुंच भी नहीं सकते, पहुंच सकते हैं? ये तो परमेश्वर ही सिखाएगा तो ही पहुंच सकते। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी। ताकि अब कलीसिया के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड, बोले मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। ओ बॉय, इफ यू नो हु यू आर, We are the battle axe of God. हम परमेश्वर की लड़ने की कुल्हाड़ी हैं। Praise the Lord. इनके गढ़ को हम ही ढाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. और तलवार से नहीं, बॉम्ब से नहीं, किससे? परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान। किसका ज्ञान?
प्रार्थना एक प्रकार का ज्ञान है क्या? प्रार्थना एक प्रकार का, पर अभी हमारे पास बहुत सारे आर्सेनल अंदर बाकी हैं। अभी तो हमने पहला ही तीर छोड़ा है तो सब बगलाए पड़ रहे हैं, हमने कि बाकी छोड़ दी तो क्या होगा। परमेश्वर का क्या? विभिन्न प्रकार का ज्ञान। किसका? उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इन शैतानों को लगता था ना ये बॉस हैं, चिंता मत करो हम आ गए। इस समय नर्क में ऐसी अफरा तफरी मची हुई, सब भागने पर तुले हुए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि नीचे हम और आप जाग गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्हें नहीं पता था हम जाग जाएंगे। शैतान बचपन से ही बेवकूफ है, उसे एक दिन लगा था यीशु मसीह को मार के विष पे कब्जा कर लेगा, मालूम पड़ा तभी तो विष उसके हाथ से निकला। तो उसे लगा कि हमको दबा लेगा, उसे नहीं पता था अब यही तो हमारा टाइम था, इसी समय तो हाथ नहीं लगाने का था। बोला ना बच्चे से आप प्यार कर रहे थे, मम्मी मम्मी, और उसके नाखून नहीं काटे, एक दिन मम्मी करा तो पता लगा मम्मी है। पता नहीं लगा बच्चे के नाखून कब बड़े हो गए। होता है ना, तो पता लगा अरे अब बाहर क्या बताएं, पति ने मारा कि बेटे ने मारा, दोनों ही बता सकते। तो बोलते नहीं कुछ लग गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। ताकि अब कलीसिया के, तो बोले कलीसिया के द्वारा, ये कहीं और से नहीं आने वाला। समाधान कहां से आएगा? मुझसे और आपसे। यही कारण है मुझको और आपको क्या करनी है? और प्रार्थना है। मैं और आप खाली नहीं बैठ सकते, मैं और आप पिक्चर नहीं दे सकते, मैं और आप सितारों के साथ समय बर्बाद नहीं कर सकते, मैं और आप अलग हैं। जब प्रार्थना का समय, मुझको और आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बदलाव केवल मुझसे और आपसे ही आने वाला है। हम मजाक में चीज नहीं ले सकते, हमारे लिए चीज क्या है? गंभीर। क्योंकि समाधान किसके पास है? केवल मेरे और आपके पास। जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है तो जो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर है वो मजाक नहीं कर सकते। इस समय इस दुनिया का जो बचाने वाले कौन है? मैं और आप मजाक नहीं कर सकते कि हम प्रार्थना ना करें। मैं और आप मजाक नहीं कर सकते कि अपनी बाइबिल ना पढ़े। मैं और आप मजाक नहीं कर सकते जब मैं आपसे कहूं रैप्सोडी माटो आत्माएं जीतो, आप और मैं मजाक नहीं कर सकते। जब मैं आपसे कहूं बीमारों को हम चंगा करना चाहते हैं, आप नहीं कह सकते पास मेरे पास टाइम नहीं। मैं और आपके, मेरे पास और आपके पास मजाक के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि ये बदलेगा तभी जब मैं और आप अपना काम करेंगे। तो मत सोचिए कहीं और से उद्धार आएगा, मत सोचिए कि दुनिया कहीं और से बच जाएगी। इस दुनिया का बचाना कहां से होना है? मेरे और आपसे। क्योंकि बहुतों को यह नहीं पता है यह गुप्त था, गुप्त भेद था ये, और मुझको और आपको पता है। तो आप नहीं कह सकते पास्टर नहीं मैं 10 मिनट प्रार्थना करता हूं थक जाता हूं। मेहनत करो बहन, 1 घंटे प्रार्थना करने की कोशिश करो, अपना दिमाग फोकस करना सीखो प्रार्थना में। अन्य भाषाएं बोलना नहीं आती तो सीखो अन्य भाषाएं बोलना। भविष्यवाणी करना नहीं आती तो सीखो भविष्यवाणी करना। बाइबल नहीं पढ़ते तो रोज पढ़ो। आत्माएं नहीं जीते तो जीतो, पैसा नहीं देते तो दो। ये समय है जब ये सब किसके द्वारा बदलने वाला है? कलीसिया। जैसे मोर्दके ने एस्तर से कहा था कि क्या पता तू ऐसे ही समय के लिए जन्मी। मैं और आप ऐसे ही समय के लिए जन्मे थे, जब दुनिया में अंधकार होगा मैं और आप चमकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, सुन रहे हैं आप। अपने आप को हल्के में मत ले लीजिए कि नहीं हमसे नहीं होगा। किसने कहा आपसे नहीं होगा? आप सच्चे की परमेश्वर, कौन सच्चा? तो अगर परमेश्वर कह रहा है कलीसिया के द्वारा तो किसके द्वारा होगा? कलीसिया के द्वारा। अपनी कमियों को मत देखिए, अपने बैंक अकाउंट को मत देखिए, पति आपको मार रहा है उसको मत देखिए। मार खाते रहेगा, अंदर अन्य भाषा में बोलते रहेगा, मांत्रो लो शाते लिखा अंतरला खाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनाई पड़ा आपको? बोली कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के द्वारा। तो ये बदलाव दुनिया में कहां से आएगा? कलीसिया के द्वारा आएगा, कलीसिया के द्वारा। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रान साथे ले भरोसा तला बहा, बोली अन्य भाषाओं में बोली। रीन त्रालोन त्रला खासी थी अगर आप पहली बार आए हैं तो आप अच्छी जगह आए हैं ना।
तो आपका हम स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए, और मैं चाहते हूँ कि अगर आप अंधकार के वश में थे तो आज छूट जाइए। एक छोटी सी प्रार्थना करनी है मेरे साथ, और आप उस योग्यता को ग्रहण करेंगे, उस प्रेम को महसूस कर पाएंगे जो परमेश्वर आपसे करता है। करना चाहेंगे प्रार्थना? तो आंखें बंद कर लीजिए, और जो मैं कहूँ मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके। आंखें बंद कर लीजिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। हे प्यारे पिता, मैं आपके पास आता हूँ यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, हमेशा के लिए जिंदा। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मैं बच गया हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, और मैं अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। बाजू से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का, ध्यान के विभिन्न प्रकार का ज्ञान। ये भेंट भी क्या है? एक प्रकार का ज्ञान। पार्टनरशिप क्या है? दूसरे प्रकार का ज्ञान। दशमांश क्या है? तीसरे प्रकार का। तो ये सारे ज्ञान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और हम बेवकूफ़ नहीं हैं इनको कैसे इस्तेमाल करता है। हमारी डिटेल स्क्रीन पर है, और हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे, उनका जोर से ताली बजा के। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। हालेलुया, ये महीना है घोषणा, और हम घोषणा करें, हमें चुना हुआ वैसे हमें चुना हुआ वंश, बुलाए दिखता में उसकी श्रेष्ठता, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है, और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मेरे साथ गा सकते हैं, हमें चुना हुआ वंश, चुना हुआ वंश, बुलाए दिखता में उसकी श्रेष्ठता, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है, और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं समझ में चलता, चमत्कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं समझ में चलता, चमत्कारों को कहता, हाँ हाँ, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता, जीवन की सारी आवश्यकता जीवन की उससे पूरी की है। हालेलुया, और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है, और मैं जानता हूँ मैं कौन। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ मेरे पास, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं समझ में चलता, चमत्कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं समझ में चलता, चमत्कारों को करता, हालेलुया, कृपा का जीवन जीता,
मैं कौन हूँ मैं जानता। अपने हाथ उठा कर गाएंगे। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। दशमांश के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उन बीजों के लिए जो हमने बोए हैं। पार्टनरशिप के लिए धन्यवाद जैसे हमने दिया है। हम इसकी बढ़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। वी इनवोक द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन दीज ऑफरिंग्स। हम इन भेंटों में मल्टीप्लीकेशन के नियम को प्रवाहित करते हैं, आशीषे बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला है हमारी कि हम इंग्लिश स्कूल के साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। हर सेल क्या कर रहा है, 6,000 रुपये की पार्टनरशिप कर रहा है। कब तक? 31 मार्च तक। बहुत बड़ा पैसा नहीं, सही? सो वी आर डूइंग दैट, सो वी कैन डू बिग थिंग्स। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके हमने कहा जो हमने आत्माएं जीती हैं उनको बना के भी रखी। हमने आपको बताया उनके साथ क्या करना है। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए। मैं और आप ही हैं जिनके द्वारा ये दुनिया बदलने वाली, दूसरा कोई आने वाला नहीं है। क्योंकि मनुष्य बहुत दुष्ट हो चुका है, उसने अपने मारने के लिए सारे औजार बना रखे। खुद ही वायरस बना रहा है और खुद ही उसकी दवाई बेच रहा है। क्योंकि वायरस प्रकृति में नहीं पाए जाते, परमेश्वर ने वायरस नहीं बनाए। अगर परमेश्वर ने वायरस बनाए होते तो पहला वायरस 1862 में कैसे आया, सही ना? तो किसी को आपको बेवकूफ मत बनाने दीजिए कि ओ अपने आप कहीं से चमगादड़ से आ गया। ओ ढल गया दिन, हो गई शाम, बुद्धि है हमारे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। सही, तो फंस मत जाएगा उसमें और जो आपसे कहा जाए वो कीजिए। उसके बाद 26 और 27 मार्च को क्या है, ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं तो उसको भूलिएगा मत। और आखिर में हम क्या कर रहे हैं, 10,00,000 कॉपीज बांट रहे हैं हमारी वास्तविक संग्रह की। कब तक? 31 मार्च तक। सेल के पार्ट बनी, सेल में आपको और जानकारी दी जाएगी कि मैं और आप क्या करने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.